तो दोस्तों अब हम रास्ते में हैं, घर से निकल चुके हैं और ये देखो धुंध कितनी हो रखी है। और ये देखो ये है बहुत सारी धुंध, अब साफ हो गया ना। यहाँ गांव आया हुआ है इसलिए अभी धुंध नहीं दिख रही। यहाँ पे तो धूप दिखाई दे रही है ना मम्मी। हाँ ये देखो दोस्तों आज हम दूसरे रास्ते से हिसार जा रहे हैं, यहाँ जैसे गाड़ी चला रहे हैं। तो रास्ते में मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखो कितनी सारी भैंसें गई हुई हैं, बहुत सारी भैंसें हैं यहाँ पे। ये देखो और ये ईंट का भट्टा जा रहा है इसमें। ईंट का भट्टा नहीं जा रहा, ये ईंटें जा रही है भट्टे से। हाँ मिट्टी कलर की है, मिट्टी कलर की। ये देखो दोस्तों कलर की मिट्टी। ये देखो कितनी सारी भैंसें हैं यहाँ पे। इस साइड से तो दिखेगा इम्मी, यहाँ पे जोड़ है, जोड़ दिख ही नहीं रहा धुंध में ना। जैसी देखो कितना धुंध धुंध हो रही है यहाँ पे। इन गांवों में इतना जोड़ है बस पूछो हिम्मत। तो दोस्तों देखो ये है मेरा ससुराल का अपड़ो गांव है ये। ये देखो यहाँ पे भी धुंध कम है। बोल रहा हूँ इसको बोल दिया तो क्या गली कहाँ है। ये रोड तो फूटा हुआ है ना। ऊपर को ये सड़कों पे भी गोबर गोबर डाल है। ये अपनी गली है ना, ये वाली है। ये मानस कहाँ है गली। हाँ ये गली, ये है वो गली। तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, अगर ऐसे किसी के जाती ना तो ऐसे गोबर ढोती मिलती। तो हम रास्ते में रुके हुए हैं, यहाँ खरकड़ी गांव से निकल चुके हैं क्योंकि हाँ आगे का रास्ता हमें पता नहीं है इसलिए हम यहाँ खड़े हैं पूछने के लिए। पूछने वाले दो गांव रह गए, दो गांव रह गए इसलिए। ये देखो पीछे बहुत अच्छा वाला व्यूज था और मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा था वहाँ पे। वैसे वैसे जोड़ी जोड़ थी क्या है तुम्हें है। तो ये देखो 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 दोस्तों रास्ता है, ये बस पहुँचने वाले हैं। ये है इनका सरकारी स्कूल, स्कूल है ये देखो। गोशे गोशे बाइक वाले। तो दोस्तों अब हम हिसार पहुंच चुके हैं, ये है जिंदल रोड और पुलिस चौकी आने वाली है और बस अभी हम पहुंच ही चुके हैं। आगे कहां जाएंगे पता नहीं, जाके फिर बताएंगे आप लोगों को। कटे हुए पेड़ ये मतलब ये क्या? सच्ची मैं भी ना सोचा जुबा सा कुकर लग गई हो है। ये देखो पेड़ कट रहे हैं सारे, क्यों कुकर कट जो सारे डर हो रहे हैं ये काटने लग कितने करो ताकि ग्रोथ हो जाए है। ये फूल भी बंद कर रखा है, बड़ा है यो बन रहा है। हम लिफ्ट में है, ये देखो क्या कर रही है। तो जो हमें काम था वहाँ पे हिसार में तो हम आ गए वापिस, अब घर की ओर चल रहे हैं। ये देखो कितनी है टूटी फूटी गाड़ी जैसी, और भंगार तेरी तरह। मैं तो नहीं हूँ भंगार, ब्लॉग में नो बकवास, मेरी फैन फॉलोइंग घट जाएगी तुम्हारी वजह से। वो देखो बहुत सारी है, कोई दिक्कत नहीं है। 280 तो है ही बस, और क्या 280 नहीं 288 बस बहुत है। एक से शुरू किया था जीरो से। तो दोस्तों हम रास्ते में मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम ले रहे हैं मौसमी, ये देखो संतरे कितने मस्त मस्त लग रहे हैं। रापचिक यहाँ पे अंगूर और बेर रखे हुए हैं और हमने मौसमी संतरे लिए हैं। यहाँ पीछे गाड़ी खड़ी है और आगे भी, ये देखो आगे है क्या है, ये रेलवे फाटक है, यहाँ पे रेल आती जाती रहती है। काम सही है, बाजार में तो दोबारा ले हमारा घाटा।
और क्या घंटा देर की बात हुआ 50 के करते 50 रुपए है दरबार जा नहीं के भी बोला पानी चंद्र कुलू तुम भी चंद्र टावर को नहीं हो दिक्कत होगी नेट की दिक्कत आ रही है यार जसी के फोन का कैमरा बड़ा मस्त है मेरे वाले का नहीं है इवन फोन ना मैं रखे पीछे हां ला 10-20 कैश कोई रख दे एम पे बैक वो आईडी घनी होगी कैश वाले की करे जल्दी चल नहीं तो फट गया तो होगी ओ ये तेरा आधार कार्ड पैन कार्ड है पीछे का लड़ना कड़ा सारा हां नहीं टोपी दूंगी ये कैसी टोपी है मेरा कौन है ए रहा काली पीली टोपी है लो दोस्तों टॉफी खा लो लो दोस्तों टॉफी खा लो एक टॉफी में संतरे खा सबको दे दूंगी दिल बड़ा होना चाहिए टॉफी चाहे बड़ी हो ना हो हां नित ए कर दिए तू कतरा पता पता जरूरी काम है बाद में फेंक ले अरे कौन ला रही है दुला के लानी और दुला लो गाड़ी को ये अब तो खराब हो गई दिया किसी से मुस्कान ने लिया था मैं तो वो एजेंसी वाला ले रखी हूं और तेरा काम मम्मी मेरा मेरे पास है मम्मी के पास एक और दे तीनों इकट्ठे पापड़ फेंक दे हां सही कह रहे हो तेरा छोलू के दो तीन पीस लूंगी बाकी नहीं खा रही मैं दो तीन ही लूंगी मम्मी इसी में से ले लूंगी लो दोस्तों मोच मी खा लो सॉरी संतरा खा लो रास्ते पहुंच चुके हैं बड़ी मुश्किल से पहुंचे रास्ता भूल भूल के आए हम यहाँ पे जाते वक्त तो चले गए थे पर आते वक्त कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो रही है तो अभी हम आधे रास्ते पहुंच चुके देखें आगे क्या होगा क्या नहीं आगे देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ भेड़ बकरियाँ कितनी सारी प्यारी प्यारी थी ये देखो सत्संग कितनी प्यारी प्यारी आई हरियाली हरियाली है ये देखो दोस्तों कितनी हरियाली है यहाँ पे सरसम बोलते हैं इसको इसका तेल निकलता है सरसम नहीं होती है सरसों होती है ये सरसों का तेल होता है सरसम होती है मुझे खा रहे हो वाओ क्या हो रहा है जैसे इतना प्यारा सा रजवाया था दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाती पर उस टाइम मुझे पता नहीं था कि आने वाला है इसलिए मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को अगर आता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जरूर दोस्तों ये है रजवाया छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा ये देखो ये देखो ये देखो थोड़ी गाड़ी स्लो कर लिया अगर कुछ दिखा दूंगी हाँ जी मम्मी 7 बजे निकल जाएंगे हाँ 7-8-9-10-10 बजे आराम तो पहुँच गए हाँ और चंडीगढ़ वाली में बैठेंगे ये है गांव अभी आएंगी भैंसे ये इनका स्कूल सांस्कृतिक प्राथमिक तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर यहाँ आ चुके हैं उचाना और ये देखो ये हमारी ये रोड ये है उचाना शाम के 4 बजने वाले हैं और अभी हम घर पहुंचे हैं उई देखो दोस्तों ये हमारे पड़ोस में रहता है ये और वो सारे बड़ा हो गया जैसे जब मैं छोटा सा था तो दोस्तों अब हमारे घर पहुंच चुके हैं अगस्त ओए कहाँ जा मिट्टी में भरा पड़ा सारा का सारा और वो बैठी गाय भैंस कहाँ बैठा हाँ वो बैठा राख पे चल प्यारे बच्चे तो
शाम के बजे हैं कितने, 7, और ये देखो दोनों आ चुके हैं। ये नारियल की टॉफी खा रहे, वो टॉमी रहा, और यहाँ मम्मी हुक्की पी रही हैं। हैं अब कल मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए व्लॉग में नहीं, क्या नेक्स्ट व्लॉग में नहीं, तो जो बोलती है वो बोल, क्या अगले व्लॉग में, व्लॉग ब्लास्ट व्लॉग, अरे व्लॉग व्लॉग आएगा, व्लॉग भी होगा, हाँ व्लॉग भी होता है, ना सच्ची मैं व्लॉग भी और कहीं नहीं फैल, दोनों चीज होती है मम्मी, व्लॉग भी होता है, ब्लॉग भी होती है, बी से भी और वी से भी, ये भी कॉम फैल, हाँ बारहवीं फैल, मैं बारहवीं पास तो हूँ, रहता ना तुम पढ़े लिखे, बी कॉम फैल, चलो चले, और बिग बॉस सीजन 1 घर वाला।